261 चेज नहीं होता। मैं नहीं यहां बैठ के तारीफ करूंगा जोनी बेस्ट्रो की, मैं यहां कोई तारीफ नहीं करूंगा शशांक की, मैं नहीं कहूंगा कि सुनील नारायण मजा आ गया। यार मजाक चल रहा है, वो जिन दो बॉल से आज मैच हुआ है ना, वो केकेआर ने जिस बॉल को मार मार के 261 लगाया और जिस बॉल से पंजाब ने बैटिंग की, उन दोनों बॉल्स को बड़ी दर्द हो रही होगी। जब दोनों बॉल्स को दर्द हो ना, तो यार ये क्रिकेट नहीं है। ऑनेस्टली एक आधे मैच में समझ आती है, 210 लग गया, 215 लग गया, दूसरी टीम 190 चली गई, चलो रेयरली चेज हो गया, लेकिन ये हर दूसरे दिन आप डिफेंड नहीं कर सकते। ये आई एम श्योर ये क्रिकेटर्स जो आज सेलिब्रेट कर रहे थे पंजाब के या केकेआर के डगआउट में, जो मुंह भुला के सारे बैठे हुए थे दोनों डगआउट्स में, अंदर से कोई भी खुश नहीं होगा, क्योंकि दिस इज नॉट क्रिकेट यार, ये क्रिकेट थोड़ी है। और जब 200, अब तो 200 कहते हुए भी लगता है कि हम कम बोल रहे हैं, जब 250 पे 250 लगना शुरू हो जाए ना, तो स्किल से ज्यादा पिच का लेना देना उसमें। यार ऐसा भी क्या क्या मजबूरी है कि ऐसी विकटें बनानी है? कलकत्ता में पहले भी आईपीएल हुई है, दिल्ली में पहले भी आईपीएल हुई है, हैदराबाद में पहले भी, लेकिन 250 लगते जा रहे हैं, 270, 277, 250, 260, मतलब मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं कहूं शशांक वेल प्लेड, मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं कहूं कि जोनी बेस्ट्रो पे ड्यू थी एक इनिंग्स, उन्होंने आज साबित किया कि वो एक बड़े प्लेयर है। मैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको कैसे जज करूं। यार क्रिकेट बैट और बॉल का गेम है, आप बैट को फेवर देते जा रहे हैं, ठीक है वो दो बाउंसर का रूल आ गया, लेकिन ये इंपैक्ट रूल वगैरह वगैरह, आप बैटर्स को इतनी फेवर्स दे रहे हैं, इतनी फेवर्स दे रहे हैं, ऐसे तो आपको आने वाले 10-15 साल के बाद अच्छे बॉलर मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई बच्चा बॉलिंग करना चाहेगा ही नहीं कि यार इतनी फ्लैट विकटें हैं, क्या फायदा? आप इतनी गंदी विकेट बनाएंगे, किसी का फ्लूक लग जाएगा, तुक्का लग जाएगा, जैसे अर्शदीप ने ठीक बॉलिंग की, लेकिन आप डिफेंड नहीं कर सकते। इस मैच में मैं तो किसी बैटर की तारीफ नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आई डोंट नो के तारीफ करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप क्या करेंगे यार, मतलब 8 विकेटों से पंजाब ये मैच जीती 8 बॉल्स पहले, और ये वनडे नहीं है, ये T20 है, 262 कर लिया पंजाब ने, दिस इज अनरियल। अभी वीडियो बना रहा हूं तो शेर सैयद बड़े उदास नजर आ रहे हैं और बड़े खुश थे मिड इनिंग्स में कि हमने बड़ा कारनामा मार लिया, ऐसे नहीं होता यार। आज के मैच में जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे दिल में है, जो मैं कन्वे करना चाहता हूं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सुनील नारायण ने रिसेंटली अभी अनाउंस किया कि उनका कोई प्लान नहीं है वर्ल्ड कप खेलने का वेस्ट इंडीज से। आई थिंक ज्यादती कर रहे हैं ये वेस्ट इंडीज के साथ, इस टाइम वेस्ट इंडीज को एक एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत है, क्वालिफायर खेल रहे थे बेचारे ओडीआई वर्ल्ड कप का, एक जीत इनको बड़ी जीत चाहिए वेस्ट इंडीज के लोकल बच्चों को दोबारा बूस्ट करने के लिए, और नारायण के आने के बाद जो चांस है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। वैसे भी उनकी T20 की टीम तगड़ी है, ऊपर से घर में खेलेंगे वो, तो करना चाहिए था उनको ये, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूं कि नारायण साइड पे हट गए हैं बिल्कुल। मुझे वाकई याद आता है 2017 या 18 की बात है, मैं विव रिचर्ड्स के साथ बैठा हुआ था दुबई स्टेडियम में, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही थी, तो वो मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी, उसके बाद काफ़ी अच्छी मुलाकातें हुई और बड़ी अच्छी मेरी उनके साथ एक सलाम दुआ है। जब भी वो मुझे मिलते हैं, मुझे कहीं पे देखते हैं, तो फौरन मुझे पहचान लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे बड़ों के जो हीरो हैं विव रिचर्ड्स, वो मुझ जैसे निकम्मे को देख के पहचान लेते हैं। आई मीन दिस इज ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह के आप अपनी फील्ड में इस मुकाम पे कभी चले जाते हैं, उस लेवल पे चले जाते हैं जहां गेम के बड़े प्लेयर आपको पहचानते हैं, सो अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। सो विव रिचर्ड्स के साथ मैं बैठा बता, मुझे कहते हैं, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का डाउनफॉल ऑब्वियसली है,
हर बंदे की अपनी वजूहात हैं, हर बंदे की अपनी रीजंस हैं, आप मुझे क्या वजह बताएंगे? तो विव आगे से, सर विवियन रिचर्ड आगे से मुझे कहते हैं कि हमारा ना एक नेशनल एंथम नहीं है। मतलब अगर आप दुनिया के नक्शे में देखेंगे ना, अभी वर्ल्ड मैप खोलना इस वीडियो के बाद, वेस्ट इंडीज कहीं पे है ही नहीं है, ये कैरेबियन है और कैरेबियन के कुछ डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट आइलैंड्स हैं, बारबाडोस, सेंट लूशिया, सेंट काइट्स, डिफरेंट स्टेट्स हैं, एंटीगा, तो इनका हर एक की अपनी करेंसी है, हर एक का अपना नेशनल एंथम है, तो इनमें इक्का नहीं है, तो उनको मुल्क की वो फील नहीं होती। ये क्रिकेट खेलने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वेस्ट इंडीज, दैट्स ऑल। अदरवाइज आप देखें, जब कोई ओलंपिक्स में भागता है तो वो वेस्ट इंडीज से नहीं भागता, वो जमैका से भागता है। जो बारबाडोस का है वो बारबाडोस का झंडा लेके भागता है, जो सेंट काइट्स का है, जो सेंट लूशिया का है, वो सेंट लूशिया का झंडा लेके भागता है। तो उनके अंदर मुल्क के लिए वो है ही नहीं, मतलब कि दे डोंट केयर। जो बारबाडोस का है वो कोई परवाह नहीं करेगा जमैका की, क्योंकि वो उसका कंट्री नहीं। तो ये चीज है वेस्ट इंडीज में कि उनको लगता है कि हम लीग खेल रहे हैं और इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। इसकी वजह आप कह सकते हैं कि सुनील नारायण नहीं फील कर रहे कि वेस्ट इंडीज को उनकी जरूरत है। बाकी इस वीडियो से पहले मैंने एक एनिमेशन अपलोड किया है हमारे स्टूडियो को, मैंने एनिमेशन में रिवील किया है अभी फॉर नाउ, आप देखें उस एनिमेशन को जाके, इस वीडियो के नीचे मैंने वो अपलोड किया है, उसमें मेरा सारा स्टूडियो आपको नजर आ जाएगा। आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं कि स्टूडियो की कौन सी चीज कहाँ पे है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम 3-4 दिन और हैं, शायद मंडे से हम अपनी वीडियोस को स्टूडियोज में बनाया करेंगे। फिनिशिंग चल रही है और आपको पता है जब फिनिशिंग आती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो टाइम ले लेती हैं। आज लाहौर में बारिश हो गई जिसकी वजह से काफी काम हमारा डिले हो गया, कुछ चीजें बाहर से आनी थी फिनिशिंग के लिए वो रुक गई, तो ये डिलेज आते हैं, बट आई एम ओके विद इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो बड़े लोग मुझे कह रहे हैं, यार अभी तक आपने स्टूडियो शिफ्ट नहीं किया। यार ये अपॉर्चुनिटीज लाइफ में एक आधी दफा आती हैं जब आप इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं, सो मैं कोई उसमें जल्दी नहीं करना चाह रहा स्टूडियो शिफ्ट करने में, उसमें चीज़ें आ रही हैं तो मैं चीज़ों को आराम से रिलैक्स करके इंजॉय कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ताकि जब आप लोग स्टूडियो देखें तो आपको मज़ा आए कि यार वाकई ये क्रिकेट का बेस्ट स्टूडियो है डिजिटल में जो कभी आपने देखा हो। ये वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। और मैंने आज का मैच बिल्कुल इंजॉय नहीं किया, ये जो क्रिकेट है ये 260 चेज वाली, आई डोंट लाइक इट।